मास दिवस ते ही जात न जाना। एक महीने तक सूर्य की गति अवरुद्ध हो गई। नंदोत्सव ही ब्रज के रसिकों का मानना है एक महीने तक चला। एक महीने तक सूर्य ब्रजमंडल में अटक गए। और जब सूर्यास्त हुआ एक महीने बाद, तो ब्रजवासी कहवे लग गए, ऐसो लगे कि हमारे सौभाग्य को विधाता सह न सको। यासो याने आज को दिना नेकाद बड़ो कर देनो चाहिए। आजकल आज के दिन को तो लोग वैसे भी बड़ा दिन कहते हैं, आज 25 तारीख है ना, लेकिन ये जो बड़ा दिन है ना, ये सबसे छोटा दिन है। समय को देखे तो इसमें दिन बहुत छोटा होता है। सबसे छोटे दिन को लोग बड़ा दिन कहते हैं। पर ब्रजवासी कहवे लगे कि हमारे सौभाग्य को विधाता सह नहीं सक्यो, यासो याने आज को दिना बड़ो छोटो बनाए दियो। अभी तो हमें सूचना मिली कि नंद के लाला भयो, और हम नृत्य गान करके संतुष्ट नहीं है पाए, यही बीच में सूर्यास्ताचल को चले गए। हमारे साथ अन्याय भयो। वो ये नहीं सोच रहे थे कि ब्रज में ठाकुर सूर्य नारायण एक महीने तक रुक गए। अब यहां एक प्रश्न है और उसका समाधान भी हम कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घटी पल मुहूर्त विपल वो सब सुनिश्चित हैं, उनको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये जो इस प्रकार की बातें लोग कहते हैं, तो पढ़े लिखे लोग जो गणित वाले ज्योतिष वाले, वो कहते हैं सब भावुकता की बातें हैं। अरे भाई, सब संक्रांतियां निश्चित हैं, इतने समय का दिन होगा, इतने समय की रात होगी, सब पहले से निश्चित है, उसका तो गणित है ना, कैसे आप उसको, सब बिगड़ जाएगा। एक समय गड़बड़ाता है तो फिर सब समय गड़बड़ा जाता है। हम अनुभव करते हैं, हमारे कई बार सवेरे का समय थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उस पूरा दिन फिर इधर उधर ही होता है, जैसे तैसे अपना नियम को पूर्ण कर पाते हैं। होता है ऐसा, कैसे होगा भाई। इसीलिए कहा गया योग माया मुपाश्रिता। भगवान के अवतार काल में भगवान की अचिंत शक्ति योग माया कार्य करती है, और योग माया क्या है, अघटित घटना पटीयसी शक्ति है। तो वो समय में बदलाव नहीं है, माने एक सूर्योदय से सूर्यास्त के समय में ही एक महीने का समय स्थापित कर दिया अचिंत शक्ति योग माया ने, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त बदला नहीं। अरे एक दिन में एक महीने की बात तो बहुत दूर की है। भगवान की योग माया इतनी ही शक्ति संपन्न है, वो एक निमिष में ब्रह्मा जी की आयु को स्थापित कर सकती है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। वो है ही है अघटित घटना पटीयसी, जो घट नहीं सकती उसको घटा दे। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में मार्कंडेय जी महाराज भगवान की अघटित घटना पटीसी माया का प्रभाव देखना चाहते हैं। 6 मन्वंतर तक तपस्या करने के बाद वो भगवान से वरदान मांगते हैं कि महाराज, लोग कहते हैं आपकी माया बड़ी प्रचंड, हम तो माया देखी नहीं, आप अपनी माया का दर्शन कराइए। भगवान बोले, हमारे भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। सुखदेव जी माया के डर के मारे गर्भ में ही रह जाते, कहते हमको बाहर ही नहीं आना है, बाहर आती माया के प्रभाव से कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। और ये ऐसे महात्मा हैं जो कहते हैं कि हम तो माया देखना चाहते हैं,
भगवान बोले ठीक है दिख जाएगी माया। वो अपने अग्निहोत्र के लिए यज्ञशाला में बैठे थे और नारायणाय नमः स्वाहा कहकर आपने आहुति दी। समिध्य तमेग्नौ जुहियात, प्रचंड अग्नि में आहुति देनी चाहिए, धुआं उठ रहा हो, जल न रही हो, ऐसी अग्नि में आहुति देना वर्जित है। प्रज्वलित अग्नि में एक आहुति के जलने में कितना समय लगता है बोलो? तिल जो चावल साकिल की एक आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़ने पर कितना समय लगा उसको जलने में? वो एक आहुति के तिल जो चावल अभी ठीक से जल नहीं पाए, इसके बीच में ही मार्कंडेय महर्षि को महाप्रलय का अनुभव हो गया। महाप्रलय हो रहा है, हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से जल बरस रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, भूर लोग भूवर लोग स्वर्ग लोग देखते देखते सब जलमग्न हो गया, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जल ही जल, जल ही जल, चारों ओर जल ही जल, बड़े बड़े तिमिंगिल, बड़े बड़े मत्स्य मगरमच्छ दिखाई पड़ रहे हैं, कभी किसी के पेट में चले जाते हैं फिर बाहर निकल आते हैं। और उनको अनुभव क्या हुआ महाराज जी? उनको अनुभव हुआ कि इस तरह से थपेड़ों में, इस तरह से थपेड़ों में भटकते हुए हमको लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, ऐसा अनुभव हुआ उनको। कितना? और अब तो सोचने लगे कि अब तो मरना ही निश्चित है, मैं मरा क्यों? ये भी सोचते हैं लाखों साल हो गए इस महाप्रलय के जल में पड़े हुए, मैं मरा क्यों नहीं? लगता है मैं ही अकेला एकमात्र जीवित हूं, अब तो कोई है ही नहीं पूरी सृष्टि में। तब तक एक बट पत्र पर एक बालक दिखाई पड़ा, बट के पत्ता पर एक बालक, विचित्र झांकी, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। बालमुकुंद भगवान श्रीअंग पर वस्त्र नहीं है, वो नीलमणि अपने दोनों कर कमल से अपने दक्षिण पाद तल को पकड़े हुए हैं और ऐसे उठा करके उसका अंगूठा अपने ही मुख में दे रहे हैं। विचित्र बात, अपने दक्षिण चरण का अंगुष्ठ अपने ही मुख में देकर चूस रहे हैं ठाकुर जी। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। ठाकुर जी ने सोचा क्या है हमारे चरणों में, लक्ष्मी जी भी इन्हीं की सेवा करती, शंकर जी इन्हीं का ध्यान करते, ब्रह्मा जी इन्हीं का ध्यान करते, सब भक्त इसी में लट्टू हो रहे हैं, हमारे चरणों में बड़ा भारी रस है, हैं? हमारे चरणों से जल छू जाता तो उसको चरण जल नहीं कहते, क्या कहते? चरणामृत कहते, बोलो अमृत हो जाता है। तो भाई सब स्वाद ले रहे हैं तो मैं वंचित क्यों रहूं? मैं भी अपने चरण का स्वाद लेके तो देखूं। ठाकुर जी अपने चरणांगुष्ठ का पान करके मानो स्वयं ही स्वाद का अनुभव कर रहे हैं। ये बालक कैसे बच गया? इतना छोटा बालक बचा कैसे? आश्चर्य में पड़ गए मार्कंडेय जी। और जैसे ही विस्मय में उन्होंने देखा, बालक अंगुष्ठ पान छोड़कर खिलखिलाकर हंसा, दो दो दतुली दिखाई पड़ी, मुखारविंद विकसित हुआ, आधर पल्लव विकसित हुए और महर्षि मार्कंडेय भीतर चले गए उनके मोड़े में और पेट में चले गए। वहां पूरे ब्रह्मांड में घूमे, कई लोकों में घूमे, ऊपर के लोक नीचे के लोक सब जगह घूमे और घूमते घूमते अपने आश्रम में पहुंच गए। अपने आश्रम में हजारों लाखों वर्ष तक रहे।
और फिर जब भगवान हंसे तो बाहर आ गए, तो क्या देखते हैं कि हम यज्ञशाला में अपनी आसन पर बैठे हैं और जो आहुति हमने डाली है अभी वो पूरी जली नहीं है। इतने समय के बीच में महाप्रलय का अनुभव, लाखों करोड़ों सालों का अनुभव सब हो गया और बेचारे पसीना पसीना हो रहे थे, ऐसे कांप रहे थे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, बोले देख ली माया? बोले बस महाराज देख ली, देख ली, बहुत अच्छा, आपकी माया बहुत विचित्र है। तो जो भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया इतने थोड़े समय में इतना बड़ा समय स्थापित कर सकती है, वो भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया एक सूर्योदय के सूर्यास्त के समय में एक महीने के समय को स्थापित कर दे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना। इसलिए भगवान की कोई भी लीला संदेह के योग्य नहीं, सब श्रद्धापूर्वक स्वीकार करो।